दोस्तों ऐसा लगता है कि ईमेल के बिना ज़िंदगी अधूरी से हो गई है, लाइफ अधूरी से हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आजकल कोई भी काम, कोई भी किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट जरूरी भेजना हो, या बिजनेस प्रपोजल भेजना हो, या कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना हो, या किसी प्रकार का जॉब अप्लाई करना हो, या फिर प्ले स्टोर में कोई भी गेम या किसी प्रकार का एप्लीकेशन डाउनलोड करना, तो उसके लिए भी आप लोग को ईमेल की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, आजकल ईमेल की मदद से हम कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कितना भी दूर क्यों ना हो, सिर्फ एक क्लिक से हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कि ईमेल को कैसे भेजें, और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि ईमेल को कंप्यूटर के माध्यम से कैसे भेज दें, तो आज की वीडियो में जो मैं लेकर आया हूँ वो है ईमेल को मोबाइल से कैसे भेजें। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा ईमेल को मोबाइल से कैसे भेज, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर को इस तरीके से ओपन कर लेना है, और मोबाइल को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, जाना है जीमेल पे। जी हाँ दोस्तों, जीमेल आपको सर्च कर लेना है, मैं यहाँ से जीमेल सर्च कर लेता हूँ। जीमेल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको लिखा हो कंपोज़, ठीक है, कंपोज में आपको जाना है। कंपोज में जाने के बाद आपको यहाँ पे जिसको भी, यहाँ पे देखो सुमित कुमार 313140@gmail.com है, तो मुझे जिसको भी भेजना है मैं क्या करूँगा, उसका ईमेल आईडी इसमें टाइप करूँगा। जैसे कि मुझे भेजना है ईमेल occicicomputerinstitute@gmail.com, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सब्जेक्ट में जैसे कोई मैसेज लिखना है, या किसी प्रकार का आपको डॉक्यूमेंट भेजना है, या कोई फ़ोटो भेजना है, जैसे मुझे कोई फ़ोटो भेजना है या कोई मैसेज भेजना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फ़ोटो सब्जेक्ट में, ठीक है। कंपोज मेल में मैंने यहाँ पर कुछ मैसेज लिख दिया, हाय माई नेम इज़ राहुल, मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैंने यहाँ मतलब सेलेक्ट करके नाम लिख दिया। अब मान के चलिए मैंने इसी मैसेज में मुझे कोई फ़ोटो अटैच करना है, तो फ़ोटो अटैच करने के लिए यहाँ पे जब आप देखेंगे अटैच फाइल लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक पिन बना हुआ है कंपोज के ठीक बगल में, यहाँ पे मैं पिन पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखा होगा अटैच फाइल, ठीक है दोस्तों, अटैच फाइल में मैं क्लिक करूँगा तो जो भी फ़ोटो अटैच करनी होगी आपको वो फ़ोटो आप क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। जैसे कि मुझे स्क्रीनशॉट ये ऐड करना है, या फिर ये जो इमेज है मैंने ऐड कर लेना है, ठीक है, ये मैंने इमेज ऐड कर लिया हुआ है, और यहाँ से सेंड का मैसेज है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंड का है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा क्लिक कर दूँगा इस तरीके से। अब आप देख रहे हैं सेंडिंग जा रहा है, ठीक है, यानी ये मैसेज पूरी तरीके से सेंड हो गया। अब मैं दिखाता हूँ कि मैसेज यदि सेंड हो जाता है तो वो कहाँ शो करता है। तो दोस्तों आप क्लिक करेंगे इस थ्री डॉट पर, आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ ड्राफ्ट में होता है कोई चीज़ सेव, यदि आप करके रखना चाहते हैं तो सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा होगा सेंट, SENT, ठीक है, सेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आप जिसको अभी रिसेंट में मैसेज डिलीवर की है या मैसेज आप भेजे हुए, तो देखिए सबसे टॉप सेट में ऊपर दिख रहा है ना, OCCI कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को मैंने ये मैसेज भेजा हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या कर सकते हैं कि फ़ोन के माध्यम से आप किसी को भी ईमेल भेज। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर वीडियो समझ में आई हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए।